तीसरी राज्य स्तरीय मास्टर गेम्स में हमीरपुर जिला के खिलाड़ियों ने दबदबा कायम रखते हुए 24 गोल्ड मेडल जीते हैं और टीम ओवरऑल चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पर रही है। मास्टर गेम्स एसोसिएशन हमीरपुर के पदाधिकारियों ने अपनी जीत पर खुशी जाहिर की है। खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, हॉकी, टेबल टेनिस में सराहनीय प्रदर्शन किया है और प्रतियोगिता में 30 से ऊपर की आयु के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। तीसरी राज्य स्तरीय मास्टर गेम्स में हमीरपुर जिला के खिलाड़ियों ने दबदबा कायम रखते हुए 24 गोल्ड मेडल जीते हैं और टीम ओवरऑल चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पर रही है। मास्टर गेम एसोसिएशन हमीरपुर के पदाधिकारियों ने अपनी जीत पर खुशी जाहिर की है। खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, हॉकी, टेबल टेनिस में सराहनीय प्रदर्शन भी किया है और प्रतियोगिता में 30 से ऊपर की आयु के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। एसोसिएशन के सदस्य संदीप टडवाल ने बताया कि प्रतियोगिता के सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल हमीरपुर के खिलाड़ियों ने जीते हैं। उन्होंने बताया कि 24 गोल्ड, 6 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जिसके लिए खिलाड़ी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि एथलेटिक्स के लिए सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एथलीट मैदान में पूरा खून पसीना बहता है, जबकि सुविधाएं एथलीटों को नहीं दी जा रही है, जिसके लिए सरकार को जल्द कुछ करना चाहिए। मास्टर गेम्स थी, तीसरी मास्टर गेम्स थी जो कि बिलासपुर के कैलूर सिंथेटिक ट्रैक पर आयोजित की गई 9 से 11 नवंबर तक। और इसमें जो है मास्टर गेम्स में विभिन्न विभिन्न स्पर्धाओं में एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, इस तरह की जो स्पर्धाएँ हुई। एथलेटिक्स में जो है हमीरपुर के एथलीट्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। हमीरपुर के एथलीट्स ने 24 गोल्ड, 6 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते विभिन्न रेसेस में, जिनमें कि 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 5000 मीटर, 10000 मीटर, 4x100 रिले, 4x400 रिले। इन रेसेस में हमीरपुर के एथलीट्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया और जो है अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और 24 गोल्ड मेडल जीते, जो कि एक जिला के लिए बड़े फख्र की बात है। पिछले वर्ष भी हमीरपुर के एथलीट्स ने मास्टर गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इस बार जो प्रदर्शन है वो पिछले वर्ष से अधिक अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ऐसा तो आप सब जैसे जानते ही हैं, इस तरह के जो है बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं, जबकि एथलीट जो है अपना खून पसीना जो है बहाता है ग्राउंड में। जो फैसिलिटीज़ क्रिकेटर्स को दी जाती हैं वो फैसिलिटीज़ एथलीट्स को नहीं दी जाती हैं। जो भले ही हमारे पास हमीरपुर में सिंथेटिक ट्रैक है, लेकिन जैसे कि अगर हम बात करें डाइट के लिए या पैसे के तौर पर हमें जो है कोई हेल्प मिलनी चाहिए, जिससे एथलीट्स जो है अच्छी डाइट ले सकें। हमारे जो है बहुत से एथलीट्स ऐसे हैं जो विभिन्न विभिन्न हिमाचल के सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, अभी नई नई उनकी नौकरी लगी है, तो इतने वो साधन संपन्न नहीं हैं। तो हमारा सरकार से भी अनुरोध रहेगा कि वह जो है इन एथलीट्स को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें फाइनेंशियल हेल्प भी करें और भी सुविधाएँ जो है वो मुहैया करवाएँ, क्योंकि ये मास्टर गेम अभी नई नई शुरू हुई है, तीसरी ही है। तो हम आपके माध्यम से ही सरकार से ये अपील करना चाहेंगे कि सरकार जो है वो स्पोर्ट्स के लिए जो है और ज़्यादा जो है फैसिलिटीज़ मुहैया करवाए। और मैं ना तो ये भी कहना चाहूँगा कि हिमाचल में जो है वो एक जो जैसे पुलिस का जो है स्पोर्ट्स विंग होना चाहिए, जैसे पंजाब की तर्ज पर, हरियाणा की तर्ज पर जब जो भी एथलेटिक्स में या किसी भी गेम में नेशनल लेवल पर प्रदर्शन करते हैं, तो वहाँ का जो पुलिस विंग है वो स्पोर्ट्समैन को जो है उनको नौकरी देता है, और जिससे जो है उनकी जो है वो आगे भी फिर स्पोर्ट्स करने के लिए जो है वो प्रोत्साहित होते हैं। जो हिमाचल में पुलिस में स्पोर्ट्स विंग नहीं है जो होना चाहिए, ये हमारी सरकार से यहाँ से डिमांड रही थी।